घर में दोस्तों खाने को लेकर एक बार फिर से लड़ाई हुई है। जी हाँ, यहाँ पर प्रियंका चाहर चौधरी और नन अदर देन अर्चना के बीच में लड़ाई हुई है। स्वागत है चैनल डेली खजाना में। मैं हूँ आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रियंका चाहर चौधरी और अर्चना गौतम कहने को दोस्त हैं, लेकिन ये रियल दोस्ती ही निभाते हैं, एटलीस्ट मंडली की तरह नहीं। जब मंडली, अगर आप लोगों को पता है, वो आपस में एक दूसरे के पॉइंट से सहमत होते भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ दिखते हैं। वेल, आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो अर्चना और प्रियंका दोनों के बीच में किचन के मुद्दे को लेकर लड़ाई हुई है और खाने को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई हुई है। जी हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि अर्चना और प्रियंका दोनों ही अच्छी दोस्त हैं, लेकिन जब बारी आती है अपने मुद्दों को रखने की, तब दोनों ही एक दूसरे की नाक में दम भी कर देते हैं। प्रियंका ने बोला कि भाई अर्चना, आज क्या बना रही हो? तो कहती, मैं तो चावल बना रही हूँ। तो कहती, मेरे लिए दो रोटी बनाओ। ठीक है, क्योंकि तुझे पता है मेरे को रोटी पसंद, मतलब मैं चावल नहीं खाती, मैं रोटी खाती हूँ। तो इस पर यहाँ पर अर्चना कहती है कि मेरे तो हाथों में भैया ऐसी बीमारी हो गई है कि मुझसे मेरा हाथ हिलाया नहीं जा रहा। मैं तो बिग बॉस को भी बोल देती हूँ कि बिग बॉस देखो, मेरे हाथ में ऐसी बीमारी हुई है। जी हाँ, लिटरली ये बात बोलते हुए नजर आई है अर्चना। और ऐसे में यहाँ पर प्रियंका चाहर चौधरी इसी बात को लेकर कहती है कि भाई तू अभी तक तो ठीक थी, सुबह से सब सही चल रहा था, और अचानक से तेरे हाथ में कैसी प्रॉब्लम हो गई। और उसने यहाँ पर ये भी बोला, प्रियंका ने ये भी बोला, ठीक है, अगर तू ये अभी ये बात कर रही है ना, रात को मेरी डिनर की ड्यूटी होगी, तो मैं उस ड्यूटी को फिर मेरे भी हाथ में दर्द हो जाएगा, और मैं भी बिग बॉस को बोलूंगी कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अर्चना किचन को लेकर मुद्दे छोटे 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 बनाती रहती है। कभी कभार तो ये मुद्दे इतने ज़्यादा ओवर द टॉप हो जाते हैं कि आप लिटरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये चल क्या रहा है। ऐसे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो अर्चना और प्रियंका दोनों की अगर बात की जाए, तो दोनों ही स्ट्रांग लड़कियां हैं, दोनों के अपने मुद्दे हैं, दोनों की अपनी बातें हैं, लेकिन ये मुद्दा इतना ज़्यादा तूल पकड़ के रह गया कि शिव और अंकित गुप्ता दोनों ही बगल में जो खड़े थे वहां पे, वो दौड़कर आए। उन्होंने बोला, अर्चना खाने को लेकर फिर से मुद्दा मत बनाना, हम तेरी मदद करते हैं, ला आटा मैं गूंद देता हूँ, ला बेल मैं देता हूँ, तू सेक दे। जी हाँ दोस्तों, दोनों दे आर सो स्वीट एंड काइंड, शिव और अपना नन अदर देन अंकित गुप्ता, ये दोनों इतने काइंड हैं, इतने ज़्यादा स्वीट हैं कि ये लोग आते हैं और ये अर्चना की लिटरली खाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों अर्चना जो कि मुद्दा बना रही थी, वो मुद्दा कहीं ना कहीं दब गया। ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या, बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो टेली खजाना, और इसी तरीके की चटपटी अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, सो कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।